देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। प्याज की कीमत अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। पूरे देश में 100 रुपए किलो तक प्याज की कीमतें पहुंच चुकी हैं। वहीं बलरामपुर में सपा के पूर्व मंत्री एसपी यादव ने महंगाई और बलात्कार पर दिया बयान चर्चा में है। मैं इस समय जंगल राज है, जमाखोरों को और काला बाजारियों को यूपी सरकार और केंद्र की सरकार संरक्षण दे रही है। यही कारण है कि प्याज के दाम जो 2 महीना पहले 3 महीना पहले 20 रुपया या 15 रुपया किलो था, आज जो है 120 से लेकर और 200 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। गरीब आदमी जो प्याज रोटी नमक खाकर जो है अपनी भूख मिटाता था, उस गरीब का निवाला भी छीन लिया इस सरकार ने। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की ये हालत है कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं उनकी इज्जत आबरू जान माल जो है सुरक्षित नहीं है। अगर वो शौच के लिए बाहर जाती हैं या जो है काम के लिए जाती हैं या पढ़ने जाती हैं तो उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद में बलात्कारियों को जमानत भी जो है देने में लचर पैरवी करती है। पुलिस जमानत मिल जाती है और जमानत के छूटने के बाद में जैसे उन्नाव में हुआ, जब हमारे समाजवादी पार्टी के एक नेता की कल हत्या हुई है, जो है जो ठेकेदार की हत्या हो रही है, बैंक लूटा जा रहा है, बैंकों में लूट हो रही है, मतलब कानून व्यवस्था नहीं है, पूरा जंगल राज है। वहीं सारे सपा के पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए केंद्र सरकार नागरिक संशोधन बिल संसद में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन सरकार का चरित्र और चेहरा दोनों जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। यूपी में इस समय जंगल राज है, जमाखोरों को और काला बाजारियों को यूपी सरकार और केंद्र की सरकार संरक्षण दे रही है। यही कारण है कि प्याज के दाम जो 2 महीना पहले 3 महीना पहले 20 रुपया या 15 रुपया किलो था, आज जो है 120 से लेकर और 200 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। गरीब आदमी जो प्याज रोटी नमक खाकर जो है अपनी भूख मिटाता था, उस गरीब का निवाला भी छीन लिया इस सरकार ने। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की ये हालत है कि जो गरीब घर की लड़कियाँ हैं उनकी इज्जत आबरू जान माल जो है सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्याज की बढ़ती कीमतों और सूबे में खराब कानून व्यवस्था को लेकर जुलूस निकाला और गले में प्याज की माला पहनकर कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील परिसर स्थित उपजिला अधिकारी के कार्यालय के सामने पहुंचकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तहसील परिसर में मौजूद फरियादियों को प्याज भी बांटा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दकी की रिपोर्ट।